शुक्रवार को सहरघाट थाना क्षेत्र के राम जानकी चौक पर उस समय दो सनकी युवक मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा, जब एक पान दुकानदार को दुकान में घुसकर बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी पान दुकानदार की पहचान मधवपुर थाना क्षेत्र के बैरवा निवासी भोगेंद्र यादव का पुत्र संतोष कुमार यादव के रूप में हुई है। हालांकि स्थानीय बुद्धिजीवी एवं समय से सहरघाट थाना पहुंचने पर दोनों युवक को लोगों की चुंगुल से छुड़ाकर बचाया गया। दोनों युवक का भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों सनकी युवक की पहचान सहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा निवासी ललन ठाकुर का पुत्र रजनीश ठाकुर एवं मनीष ठाकुर के रूप में हुई है। दुकानदार केरवा निवासी संतोष कुमार यादव ने बताया कि दो युवक मेरे दुकान पर ठंडा लेने आया, सामान लेने के बाद मूल्य दर से कम पैसा देकर रंगदारी करने लगा। जब इसका विरोध किया तो दोनों ने दुकान में घुसकर अंधाधुंध मारपीट करने लगा, जिसमें मैं लहूलुहान हो गया। उसके बाद अगल बगल के दुकानदारों ने आकर मुझे बचाया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोग आरोपी दोनों सनकी युवक की धुनाई करने लगे। वहीं प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय भाजपा नेता अजय भगत, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव, अरुण शाह, प्रिंस कुमार ने बताया कि दोनों युवक नशे में धुत थे। दिन के उजाला में इस तरह की वारदात से व्यवसायियों में दहशत का माहौल कायम कर दिया है। किसी भी हालात में ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि कोई भी अपराधी इस तरह के घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आक्रोशित भीड़ ने दोनों आरोपी युवक को कब्जा में लेकर पूछताछ की जा रही है, जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो भी हो, पूरे इलाके में चर्चा बनी हुई है और सभी दोनों युवक पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। घटना भले सवेरे से दुकान खोला लिया हमारा, दुकान खोला के बाद में गई की वाले एगो गई क्या रो रही तो एक मंगल के हमारा के टोपी काल के दिली, टोपी एक पसंद नहीं भले, ठीक है, टोपी में पसंद भेला के बाद में कि हमारा दुगल लिमका दिए 250 ग्राम वाला, 250 ग्राम वाला दुगल लिमका दिलिये, दुगल लिमका के मेरा 50 रुपया मंगल लो, 40 रुपया दिलक आ जबरदस्ती कोई नहीं 40 रुपया देगा, घूम के चल गए हाँ। तो हम जाइए 40 रुपया दीजिए आपको पचेगा नहीं जाइए, यही कह दिया। उसके बाद वो चला गया, फिर उसके बाद दोनों घूम के आया है कहीं की कंपनी में से पाई काट के देने लगा 400 रुपया डीजल का, ये दो आदमी घुस के कालर पकड़ के अंदर में घुसा दिया दोनों आदमी और लगातार हमको मारने लगा। हम अकेले था, कुछ नहीं कर पाए, पूरा मार मार के अथी कर दिया। सामान भी निकाला है, सामान बहुत पाई कौड़ी था वो सब हाले हाले जेबी में घुसा लिया है, वो पैसा वैसा निकाल के जेबी में घुसा लिया है। मेरा नाम संतोष कुमार है, घर बैरवा है। कैसे क्या घटना हुई यहाँ पे अभी? अरे अभी दो अनजान आदमी आया था जी, और हम लोग रोड साइड से वहाँ खड़े थे जी। एक आदमी ने बोला कि संतोष यादव का पान दुकान है, उसको मार रहा है। हम दुकान के पास आए, एक आदमी बाहर में खड़ा था, उससे कहा सुनी हो रहा था, हमको लगा बाहर वाले से हो रहा है। जब अंदर झांक के देख रहे हैं तो दूसरा आदमी उस दुकानदार को संतोष यादव को नीचे पटक करके अंदर दुकान में घुस के और ऐसे मार रहा है जिसे मर्डर करने के सेंस में आ रहा है, और पूरा नाक को मार रहा है, पूरे नाक को मार रहा है। उसको हम लोग ने पकड़ा है, फिर और लोग सभी ग्रामीण है, दुकानदार सब आए हैं, उसके अंदर घुसे हैं, उसको पकड़ के लाए हैं। फिर वो कहाँ गया अभी? वो अभी थाना पे ले गए, प्रशासन उनको ले गया है, ले गया। बहुत ही बाजार में आक्रोशित है लोग, किस तरह से निर्भीक लोग कह रहे हैं शराब पिए हुए थे, क्या शराब भी पिया हुआ था, गाजा भी पिया हुआ था, और ये दुकानदार के बीच में आकर दुकान के अंदर घुस करके किसी दुकानदार को इस तरह मारना, इसका मतलब यह असामाजिक व्यक्ति है, असामाजिक तत्व है, यह पागल आदमी है, ये इसको इलाज होना चाहिए बढ़िया से, इसको जेल का सजा होना चाहिए। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या होना चाहिए? चाह रहे इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो किसी भी दुकानदार को अंदर में ऐसा घुस करके उसके दुकान पर जाकर के उल्टे सामान लिया है, उल्टे पैसा कम दिया है। क्या कैसे घटना हुई है? हम आए हैं तो ये मारपीट वाला घटना हो चुकी थी, मतलब इसको दुकान में जैसे आया है। क्या किसके दुकान में, कहाँ पे? संतोष कुमार यादव है, पिता भोगी यादव, भोगेंद्र यादव, घर बैरवा है, थाना मधुपुर जिला मधुबनी, शहर घाट पे नहर पे राम जानकी चौक पर पान का दुकान है, ठंडा और पान बेचता है। दो अज्ञात आदमी आया है और उसको पान वगैरह खा लिया है, कुछ सामान भी ले लिया है, और जब वो पैसा मांगा है तो रंगदारी के रूप में उसको रंगदारी करके उसको घर में घुस करके और मुंह कान सब जैसे फोड़ दिया बढ़िया से, और वह जैसे दाबी भी दिखा रहा था और वह धमकी भी दे रहा था कि अगर तू कुछ करेगा तो मैं हम जैसे दुकान भी रास्ते में तोड़ देंगे। जबकि दो चार महीना पहले, लगभग 3 से 4 महीना के बीच में एक बार इसके दुकान का ताला भी तोड़ दिया था वही लोग, अज्ञात लोग ही तोड़ा था, उस समय में तो साबित नहीं हुआ, लेकिन अब इसे पता चलता है कि ये लोग जैसे उसमें लगभग जैसे जो पेट्रोल वगैरह बेचा हुआ था सारा पैसा जैसे मैंने जस्ट ही कुछ दिन पहले
तालाब टूटा था। अब क्या कैसे क्या है नहीं है वो तो थाना। अभी इनका स्थिति कैसा है? इसका स्थिति अभी डॉक्टर साहब इलाज के लिए आया गया है, अब मुंह कान फूटा हुआ है और डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, फिर इलाज के बाद ही कुछ बता। वो दोनों कहाँ है? वो दोनों अभी थाना अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार जो थाना अध्यक्ष है उनको हवाले करके और हम लोग चले हैं कि ताकि क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन को हम आग्रह करते हैं कि उनकी कड़ी से कड़ी सजा देकर ताकि सहार घाट में जो इस तरह से अज्ञात आदमी आकर के और यहाँ वर्चस्व करके चोरी डकैती और गुंडागर्दी होता है उसको क्राइम को रोकने के लिए इनको जैसे कोई कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि हो सकता है कि चोरी करने का ये षड्यंत्र भी रखता होगा। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, प्रखंड अध्यक्ष जदयू मधुबनी। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।